हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और जो सैटरडे और संडे आपको रिवीजन के लिए दिए गए थे, उनका बहुत अच्छे से आपने यूज भी किया होगा। तो आज है हमारे डे 6 का टारगेट, सीजीएल 2024 की डेली टारगेट सीरीज का। उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि किस में आपको क्या टारगेट करना है। उससे पहले अगर आप में से कोई नया है जो इस टारगेट सीरीज से अभी जुड़ा है, तो उसको यही कहूँगा कि डे 1 से स्टार्ट करना। प्लेलिस्ट में जाओगे, एक प्लेलिस्ट बना रखी है पर्टिकुलर, उसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो डे 1 से स्टार्ट करना और वहीं से टारगेट करना शुरू करना, ये बीच में से स्टार्ट मत करना। दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब और वीडियोज़ आएँ टारगेट सीरीज़ के, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक साथ रहना है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो मैं बताऊँ टारगेट उसको करना, ये मान लेना कि करना ही है। अब इसमें ऑप्शन मत रखना कि एक सब्जेक्ट कर लो, दो कर लो, नहीं। अगर सच में फॉलो कर रहे हो तो टिल एंड फॉलो करना है। तो चीज़ों को ध्यान से सुनना, समझना और हमेशा आगे फॉलो करते रहना, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या टारगेट सीरीज़ हो या जो भी सब्जेक्ट वाइज हम टारगेट बताएं वो हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन की। देखो, कैलकुलेशन में इससे पहले तक हमने टेबल्स पे काम किया है, 1 से 28 तक की टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। आज आपको 29 की टेबल भी याद कर लेनी है, ठीक है? और प्लस आपको क्या करना है, 2 डिजिट × 3 डिजिट, इस मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। बीच में मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी ये हमारी चल रही थी कैलकुलेशन, इसमें मैंने कहा कि आपको 2 × 2 पे काम करना है, और शायद आपने किया भी होगा, दो दिन आपको ये भी एक्स्ट्रा मिले, इनमें भी किया होगा। तो आज आपको 3 डिजिट × 2 डिजिट पे काम करना है। 3 डिजिट × 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, वो इस तरह से करना है, लाइक मैंने 144 ले लिया और 28 ले लिया, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? तो 28 × 4 112 का 2 क्या लगी, हासिल 11। 28 × 4 112 और 11 123। 123 का 3 हासिल लगी कितनी, 12। 28 × 28 = 12 40, तो 4032। इसी तरह से आपको और 3 × 2 डिजिट लेके मल्टीप्लाई करने हैं। 2 डिजिट आपकी जो होनी चाहिए वो 28 तक होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इतनी टेबल कंप्लीट की है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन लेने हैं, लाइक आपने ले लिया 128 ले लिया, मल्टीप्लाई आपने ले लिया 19 ले लिया, आपने 21 × 4 36 ले लिया। इस तरह से आपको नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करना है और फास्ट फास्ट करने की कोशिश करनी है। बहुत बीच में जब भी टाइम मिले तो इस तरह की कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है? तो कैलकुलेशन हमारे साथ इम्प्रूव कर सकते हो अगर डेली हमारे साथ जुड़े रहे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो मैंने एक PDF शेयर की थी कैलकुलेशन ड्रिल्स की, तो उसमें हमने 2 ड्रिल्स कंप्लीट कर ली थी। अब आपको 3 नंबर और 4 नंबर कैलकुलेशन ड्रिल कंप्लीट करनी है। 5-5 मिनट का टाइमर होता है, उसमें 5 मिनट का टाइमर लगाओगे, जो क्वेश्चन है वो करने और जो ना है वो देखना है उस हिसाब से, और स्पीड बढ़ानी है। तो 2 ड्रिल वहाँ से आपको करनी है। अब चलते हैं मैथ्स के टारगेट पे, और वो ड्रिल की जो PDF है मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वैसे मैंने शेयर कर रखी है, PDF सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स के टारगेट की, तो रिवीजन करना है परसेंटेज का। डे 6 है, डे 5 तक हमने बहुत टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिए, तो डे 6 में आपको कौन से टाइप करना है, कमीशन वाला, जो आता है कि एजेंट का कमीशन इस तरह से फिक्स होता है, कंपनी ने इतना परसेंट कमीशन दिया नहीं दिया, इस तरह टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं डे 6 में, ठीक है? और सेकेंड लास्ट डे, तो जल्दी से परसेंटेज का हमें कंप्लीट करने का टारगेट है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं 250 से 300 क्वेश्चन तक हम ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे कल तक, ठीक है? तो 250 से 300 आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो नाउन डे 6 है, 7 दिनों में 6वें दिन पे हम आ चुके हैं, और अब आपको क्वेश्चन करने हैं इसके, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको दोबारा, अगर एक बार कर लिया है ना तो दोबारा कर लो। मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा दिन दिया कि हम साथ में बहुत अच्छे से करते हुए चलें। अगर आपको लगता है कि आपने तो 5 दिन में कर लिया, तो 2 दिन में एक्स्ट्रा मिले तो वापस रिवाइज कर लो उन चीज़ों को, ठीक है? वोकेबलरी में आपको 1 वर्ड करने हैं, 160 to 180, EDM करने हैं 100 से 120। ये ध्यान रखना, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, पहले 20 मिनट रखना, जिसमें आप जो पहले पढ़ रखे हैं उनको देखोगे 2 बार, उसके बाद इस पे आओगे। रटना नहीं है, जो पहले आपने अभी तक किए हैं उनको 20 मिनट में 2 बार देख लो, उसके बाद ये वाले देख लो 2 बार। और वैसे तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि आपको सैटरडे संडे रिवीजन डे के रूप में मिला होगा, बट एक बार और रिवाइज कर लेना। हमें बार बार जब देखेंगे ना चीज़ों को, तो हमें याद हो जाएगी बिना रटे। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इनको एक्सेप्ट करके काम करते हो। कॉम्प्रिहेंशन में आपको आज 2 क्लॉजेस मिले, 6 नंबर और 7 नंबर। पैराजम्बर करने 50 से 60 नंबर, पैराग्राफ करना 6 नंबर, ठीक है? साथ के साथ करते जाना। एक दिन ऐसा होगा कि आप यहाँ कहोगे, यहाँ आप कहोगे 500 मेरे क्लोजेस्ट हो गए, 1000 पैराजम्बल हो गए, 500 पैराग्राफ हो गए, एंड इतना सब कुछ होने के बाद आप कहोगे कि यार अब तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट बहुत अलग लेवल पे। तो ये सब चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएगी, बट रेगुलरली साथ में रहना। रीजनिंग में नंबर सीरीज की क्लास 2 का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आपको ग्रुप में सीजीएल जॉइस का जो ग्रुप है, ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, वो नंबर सीरीज की सेकंड क्लास आपको देख लेनी है, जो भी सीजीएल जॉइस की प्रेप कर रहे हैं, टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। जीके में आपको देखो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अभी तक हमने जैनिज्म बौद्धिज्म कर लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता कर ली, महाजनपद वेद वगैरह हम कर चुके हैं। अब आपको मगध साम्राज्य पढ़ना है, और लुसेंट में दिया हुआ होगा ये, जस्ट यही हेडिंग होगी मगध राज्य का उत्कर्ष, और उसमें हरियक वंश और नंद वंश वगैरह का दिया है, तो वो आपको देखना है कि हरियक वंश क्या था, उसकी हायरार्की क्या थी। छोटे छोटे लाइन्स हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है? मगध राज्य का
स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स ट्रॉफीज डेट टू है, बहुत सारी स्पोर्ट्स ट्रॉफीज थी, इसलिए क्योंकि एज ए बिगिनर आपके लिए इतना याद करना शुरू के दिनों में इतना आसान नहीं होगा, तो मैंने उस चीज़ को टारगेट करते हुए आपको 4 डेज दिए ओनली फॉर स्पोर्ट्स ट्रॉफीज। उम्मीद करूँ कि आप इनके नोट्स बनाएंगे, स्टैटिक जीके का आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं बनाओगे, बनाओगे, बनाना ही है। और मॉक टेस्ट नंबर 1 और नंबर 2 जो हमने अभी तक किए हैं PYP CGL 22 के, 1 दिसंबर Shift 1 Shift 2, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं तो वो भी अटैम्प्ट करना, क्योंकि हम पीछे के डेज में कर चुके हैं, और उसके बाद आप क्या करोगे आगे जो हम टेस्ट दें वो करना है। तो अभी तक तो आज कोई टेस्ट का टारगेट नहीं है, ये आज के टारगेट हैं जो मैंने दिए हैं, ठीक है, तो ये सारे टारगेट आपको कंप्लीट करने, और कमेंट करके बताना अगर Day 5 तक आपके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपके कोई लगता है कि हाँ कोई भी सजेशन या कोई भी चीज़ कमेंट कर पूछना है टारगेट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट साथ। उम्मीद करूँ कि टारगेट के साथ जुड़े रहोगे, अपना फायदा जरूर आप लॉस नहीं करोगे, अगर कंटिन्यू 5 दिन फॉलो किया है तो अब पीछे मत हट जाना, क्योंकि रेगुलर रहोगे तो डेफिनेटली बहुत आगे तक जाओगे, और आपके लिए हमेशा हम रहेंगे हेल्प के लिए। जस्ट फॉलो द टारगेट्स, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, दोनों बहुत जरूरी है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे आगे के टारगेट की, आगे की PDF वगैरह हम जो डालते हैं उसकी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों।